सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो पता है अभी शाम हो रहा है, आज मैं शाम में ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि ना दिन में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। सच्ची बिल्कुल एकदम एकदम टाइम नहीं मिला और मैं भूल भी गया टाइम नहीं मिला तो कि आज का ब्लॉग मैं निकाली ही नहीं हूँ। अभी निकालूंगी सोच रही थी, बट नहीं, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और आज ना थोड़ी तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है। तो ना आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक से नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा लो सा फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, शायद से रात में नींद नहीं आ रही है इसलिए सो नहीं पा रही हूँ। और आज भी बहुत भाग दौड़ हो गई, कल भी बाहर का ही था, आपको पता है ना, फ्राइडे भी बाहर ही थी, आज भी बाहर ही थी। बहुत ज़्यादा ना वैसा हो गया, एकदम थकावट सा, नींद भी पूरी नहीं हुई। दिन में सो रही हूँ मैं भी 2 घंटे, रात भर नहीं सो रही हूँ, तो सोचो 8 घंटे की नींद में मैं 2 घंटे सो रही हूँ, तो इसीलिए शायद से हो रहा है। पता है कल रॉकी को लेके गई थी, तो कल भी मैं शॉप बताया था आज का पहला, बट नहीं ले पाई थी, तो आज जाना है। अभी उठी हूँ, भाई कॉलेज गया हुआ था, पता नहीं आया कि नहीं आया, मैं बाहर नहीं गई, अभी सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर दी, तो चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं भाई आया है कि नहीं। तो अगर भाई आ गया होगा तो फिर चलते हैं, और टाइम भी मेरे ख्याल से 7:45 बज रहा होगा, देखते बाहर जाके टाइम, क्योंकि दूसरा फ़ोन है नहीं मेरे पास। अभी भाई का फ़ोन से मैं टाइम दिखाती हूँ, वो अपना फ़ोन लेकर गया हुआ कॉलेज, तो देखते भाई आ गया होगा तो चलते हैं, लेकर आते हैं सामान, ठीक है। तो चलो बाहर चलते हैं फिलहाल तो। और पता है फ्लफी तंग किया हुआ है मुझे बाहर जाने के लिए, मतलब बालकनी में जाने के लिए, ठंडा ठंडा हवा आता है ना, तो इसको पहले बांध देती हूँ लीश में और वहाँ बालकनी में निकाल देती हूँ। दिखाऊँ बिल्कुल दिखा दूँ, ये देखो जनाब बैठ के ना मुझे ही देख रहा था अभी। फ्लफी बाहर जाना है आपको? हाँ फ्लफी बालकनी में निकाल दें, तो चलो एक बार इसमें निकाल देती हूँ। पता है क्या, मुझे ना फ्लफी की लीश मंगानी पड़ेगी क्योंकि ना उसका जो लीश है अभी ना उसको बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, वो बचपन ही का, अभी वो बड़ा हो गया थोड़ा, तो उसका लीश मुझे मंगाना बहुत ज़रूरी है। उसके नेक में ना फंसता है थोड़ा सा, एक दो लीश है, एक शोल्डर का और एक नेक का, तो उसके शोल्डर में तो अट नहीं रहा, शोल्डर वाला नेक पे आ रहा है, नेक वाला बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको ऑर्डर करना है मुझे जल्दी से जल्दी, आज ही रात में करूँगी क्योंकि अभी तो थोड़ा उधर जाना है ना, तो आगे करती हूँ, ठीक है। ये बैठा है फ्लफी, रुको गेट खोल दे रहे, नीचे कौन है देखो, बैग दुलार करा रहा था। चलो भाई आ गया, मैं जा रही रेडी होकर आती हूँ 2 मिनट में। एक बात पता है क्या, कि रात के समय में व्लॉग कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी मुझे ना लाइट के नीचे जाके खड़े होना पड़ा तब जाके वीडियो आ रहा, नहीं तो ना काला काला सा आ रहा। अरे यार मेरा मास्क नहीं मिल रहा, मास्क मिल रहा होता ना तो मैं यहाँ पे मास्क लगा लेती, ऊपर से ऐसे रख लेती, अभी पूरा बांधना पड़ेगा यार, लेट होगा, तो चलो मैं एक बार पूरा करके आती हूँ। यस मैं रेडी हो गई, मैं डाकू लग रही हूँ ना रात में, बट ठीक है मैं रेडी हो गई, तो चलो जल्दी से निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया, मम्मा को भी जाना है, मैं भी आऊँगी, तो चलो जल्दी से निकलते हैं। So yes, I'm back. कितनी कैसी लग रही हूँ मैं? रुको एक सेकंड, मुझे इसको खोले दो, मुझे अंदर सांस नहीं जा रही, हवा नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, इसको खोले दो एक मिनट, एक मिनट मैं खोल दिया। Yes, हो गया मेरा काम, मतलब चेंज कर ली मैं, बता देना कब। और यार मेरे हाथ में ना बार बार लग जा रही है, पता है मैं मतलब बाल बाल कुछ भी कर रही हूँ तो उसमें जाके फंस जा रहा, लग जा रही है बार बार। तो चलो एक बार देखो कितना कचरा फैलाई, कितना मैसीनेस फैलाई हूँ मैं, इसको एक बार क्लियर कर दूँ यहाँ पे, देन मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। आते आते टाइम देखो 8:05 हो गया, तो चलो जल्दी से किचन में चलते हैं। बहुत मेन बात पता है क्या, कि रात के समय यार वीडियो बना तो रही हूँ मैं, लेकिन लाइट ही नहीं है कहीं पे, मुझे लाइट का बंदोबस्त करना पड़ेगा जल्दी और भी ज्यादा। तो अभी मैं रोटी बनाने किचन में, क्योंकि मम्मा और भाई थोड़ा काम से बाहर जाना, मैं बताया थी ना कि मम्मा और भाई को भी बाहर जाना है, तो मम्मा भाई काम से बाहर जा रहे, तो चलो मैं रोटी बनाने, और मुझे पता नहीं कैमरा मैं कहाँ पे सेट करूँ क्योंकि आगे कहीं पे जगह ही नहीं है, किचन बहुत छोटा सा तो वहाँ पे जगह ही नहीं होता, तो चलो देखती हूँ कैसे क्या करना है। और रोटी बनाते हैं एक बार जल्दी से, क्योंकि मेरे हाथ में भी लगी है ना तो दर्द हो रहा है, तो पता नहीं, चलो बनाते हैं रोटी। चलो एक बार ही ना दाल में तड़का लगाने के लिए एक बार चढ़ाई हूँ मैं गर्म तेल, उसको कर लेते हैं, पता नहीं क्या उसको कर लेते हैं, डाल दो उसको ऐसे।
तो फाइनली बन गया मेरा रोटी। और एक एक चीज दिखाऊं, मैं रोटी दिखाऊं मेरी, देखो पता नहीं मैं क्या बनाई हूँ, रुको इसको प्लेट में लेके, तो पता नहीं कौन से शेप में रोटी बन गया, लेकिन ठीक है खा लेंगे, जलाई तो नहीं हूँ ना मैं, बस शेप खराब है, चलो कोई नहीं। एक्चुअली मम्मा मुझसे काम कराते नहीं तो मुझे उतना परफेक्टली नहीं आता, बट हाँ रोटी बना लेती हूँ मैं, रुको दिखाऊं मैं, थोड़ा थोड़ा बीच में ना खराब हो जाता है, लेकिन सब खराब नहीं जाते कुछ कुछ, तो रुको दिखाती हूँ मैं सारे रोटी कैसे बनाई। देखो बस ये वाले खराब हुए हैं, लास्ट वाला, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। शेर देखो, इसमें शेरू का रोटी है चार, बाकी मम्मा का है अभी का और पापा का सुबह का है। तो चलो मैं हाथ वाथ धो के मिलती हूँ। एक तो मुझे बैक कैमरे पे पता है शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ना रूम में कहीं पे लाइट ही नहीं है, मुझे दो तीन लाइट और लगवाना पड़ेगा, जहाँ पे नाइट बल्ब है ना वहाँ पे वाइट वाला ये लगवाना पड़ेगा, ताकि मेरे फेस पे रात में वीडियो बनाने के टाइम, ब्लॉग करने के टाइम लाइट आए, लाइट ही नहीं, अंधेरा अंधेरा सारा, क्वालिटी नहीं आएगी फिर क्या फ़ायदा बताओ। अब मुझे एक तो बैक कैमरा से बनाना नहीं आता, मुझे पता नहीं है दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, तो एक बार मैं ना ब्लॉग वीडियो को पोस्ट करके देखती हूँ आगे दिख भी रहा है मेरा फेस कि नहीं दिख रहा है। ठीक है आ तो रहा है, बट फ्रंट कैमरे से क्या होता है ना कि पता होता है चीज़ें, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता, परफेक्ट रहता है, बट बैक कैमरा से ना थोड़ा दिक्कत होती है। तो रोटी बना के थक के बैठ चुकी हूँ मैं, और 9 बजे में 5 मिनट बाकी है। एक तो फ्लैश पड़ा ना आँख में तो अंधी हो जा रही हूँ मैं, हट रहा ना तो मुझे कुछ 2 सेकंड तक का स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा फ़ोन बहुत डाउन हो गया, तो एक बार मैं इसको चार्ज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चार्ज होने के बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है तो फ़ोन को मैं चार्ज पर लगा लेती हूँ। ये आ गई लाइट लेके, पता मम्मा का फ़ोन लेके आई हूँ यार, पता नहीं लाइट को बहुत दूर पड़ रहा है मेरे फेस पे ना, क्वालिटी नहीं आएगी, ऐसे वीडियो तो बन जाएगा, दिख तो जाऊंगी मैं, लेकिन ना क्वालिटी नहीं आएगी, और क्वालिटी बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ के लिए, तो इसीलिए फ़ोन को लेकर आई हूँ मैं। और पता है मम्मा जाने वाले थे लेकिन मम्मा गए नहीं, क्योंकि 8:30 हो गया था, तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं है ना, बहुत ज़्यादा रात हो गया, और थोड़ा अंदर साइड रहते हैं हम तो थोड़ा आउट एरिया पड़ता है, तो यहाँ से निकलना है तो जल्दी निकलो, नहीं तो ना आने के टाइम बहुत सुनसान रास्ता हो जाता है, तो इसीलिए फिर मम्मा आज नहीं है, मम्मा कल जाएंगे, मुझे भी कल फिर रोटी बनाना पड़ेगा, मम्मा पता है झूठ बोल के रोटी बना है, मम्मा काम करवा लिया आप मेरे से, बताइए तो जाने के नाम से, अब पता है मैं तुरंत से खड़ी हो गई, मैं बना दूंगी, अभी मुझे लगता है ना खाना बनाने का, मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, तो मुझे ऐसा कभी मिलता ना खाना बनाना, तो फिर मुझे लगता है अच्छा फिर जल्दी से करके हटा दूँ, बाद में टालना मतलब बाद में बिल्कुल मूड नहीं होगा, अभी ज़बरदस्ती मैं कर भी लूँगी कि चल, ऐसा तो मुझे मिलता नहीं है जल्दी, और मिलने से जब मेरा मन नहीं होता ना मैं खाना बहुत गंदा ख़राब करती हूँ, मतलब मुझे आती भी है ना वो चीज़, तो इतनी गंदी तरीके से मैं ख़राब करती हूँ ना कि वो आदमी बोलेगा अच्छा यही बनाई थी क्या पिछले बार, इतना अच्छा ऐसा ख़राब करती हूँ। एक बार पता है मैं बताया ना पहले कि मुझे खिचड़ी बहुत अच्छी आती है बनाने, तो वो एकदम मस्त वाला बनता है, लेकिन एक दिन मम्मा ने कहा, उनका मन था ठीक है, मेरा मन नहीं था बनाने का, उन्होंने कहा कि खिचड़ी बना देना आज ठीक है तुम, तो मैं बोली ओके, मन तो था नहीं लेकिन ऊपर से ठीक है, मम्मा बोले तो टाल नहीं सकते बनाना पड़ेगा। खिचड़ी में मैं दाल ही नहीं डाली, चावल डाली, नमक डाली और हल्दी भी नहीं डाली ठीक है, और वैसे ही बना दिया, और उसके बाद जो भी खा रहा ना वो ये बोल रहा है ये क्या बना दिया, इससे जब हम चावल का पानी और चावल खा लेते नमक डाल के, ये तो इतना गंदा सा है, ऐसे तुम तो वैसे बहुत अच्छा बनाती खिचड़ी, ये क्या हो गया, तो मैं ऐसी हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मन नहीं है मेरा, तो फिर मुझसे कोई करा नहीं सकता, हाँ मैं कर दूंगी, मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरे अंदर से वो चीज़ ना खराब हो जाती, जान के नहीं करती मैं, मेरे माइंड से निकल जाएगा या मैं कुछ करके ना वो चीज़ खराब हो जाएगी, ऐसी कि अगला बार से इंसान बोलेगा नहीं रहने दो, मन है खुशी से अपने से मैं बोलूँ तो ठीक है बनवा लेंगे, लेकिन आगे से कोई मुझे नहीं बोलता कि ये काम कर दो, तो ये होता है मेरे साथ। यार मैं फ़ोन ना अभी चार्ज नहीं कर सकती पता है, क्योंकि ना अभी मुझे काम है, तो देखो मैं इसको ना निकाल के रखी हूँ, रोटी और बिस्किट शेरू के लिए, शेरू नीचे सोया हुआ है बालकनी से, अभी मैं देख कर आई, तो चलो ब्राउनी गया मैं घूमने इसलिए मैं अभी नहीं जा सकती, ब्राउनी आएगा तो फिर मैं जाऊँगी उसको देने के लिए बिस्किट और रोटी, ताकि वो खाकर पेट भर के सो जाए, तो वैसे भी अभी सो ही रहा नीचे, उसको पता है कि मैं आऊँगी, रुको दिखाऊँ क्या, रुको बैक कैमरा देखो वहाँ पे शेरू सो रहा है। एक तो ना यहाँ पे खड़े होके ना बहुत ही सही हवा आ रही है, तो इसको लेके खड़ी हूँ मैं कि एक बार ब्राउनी आया तो फिर मैं जाके शेरू को दूँ,
और उसके बाद फिर अपना काम करके व्लॉग एंड करके फिर जाके थोड़ा सा समझ लेना, उसके बाद फिर येलो के साथ थोड़ा सा खेल के फ्लफी को भी कोम करना है, वो सिरप पिलाना बहुत काम है अभी, तो एक बार मैं उसको ये करके नीचे को आया लगता है। एक चीज़ पता है, फ़ोन चार्ज ही नहीं कर पा रही क्योंकि अभी काम ही इतना ना कि फ़ोन चार्ज पे मैं रख ही नहीं सकती, मुझे रात में चार्ज पे लगा के कुछ भी करना पड़ेगा क्योंकि नींद तो मुझे आज भी नहीं आने वाली है। पता है सर ना थोड़ा भारी सा हो रहा है, बहुत लो फील हो रहा है नींद की वजह से, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा जाग ले लूँ, बट क्या करूँ, जागना पड़ेगा अभी, व्लॉग को भी इसको एडिट करना है, सुबह अपलोड करना है, समझ रहे हो, तो बात ये है। तो अभी बहुत दिक्कत है, बहुत काम है यार, मैं थक गई, मन नहीं कर रहा करने का बट करना पड़ेगा, तो चलो एक बार काम खत्म करते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। आदत पड़ी जो भी लगी, देखो यार इसका अलग ही है, पैर पे चढ़ जाता है, अजीब है, पैर पकड़ लेता है, रुको मैक्स नहीं करो ऐसे, चलो मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, मुझे भी निकलते ही कुछ दूर चलते ही शेर का शक्ल लाएगा, ये क्या था पता नहीं पर बहुत गंदा था। शेरू कहाँ है, शेरू शेरू कहाँ है, आजा शेरू, अज्जू शेरू अज्जू उधर देंगे, कम 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 बाहर निकल गया शेरू तुम्हारे चक्कर में, देख के गिनना नहीं, खा लो जल्दी जल्दी, खा लो फिर बिस्किट देंगे, जल्दी खाओ, बच्चे कितनी जल्दी जल्दी खा रहा है, उसको भूख लगा हुआ था, ये एक बार खा ले तो, हाँ खा लो फिर बिस्किट मिलेगा, जल्दी खाओ, तुम दोनों खा लेना ठीक है, हम डाल के जा रहे हैं, पहले बिस्किट डाल देती ना तो रोटी छोड़ देता, बट उसको पता चल गया कि मेरे हाथ में बिस्किट भी, तो खा नहीं रहा रोटी, बाद में खा लेगा, मैं जा रही हूँ ऊपर, तो यार उसको पता चल गया था कि मेरे हाथ में ना वो भी है बिस्किट भी है रोटी के साथ साथ, तो वो ना रोटी खा नहीं रहा था तुरंत से, और बहुत सारा गाड़ी आना जाना कर रहा था, मैं बाहर खड़ी थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं दाम में कुछ खड़ी भी थी, तो इसलिए मैं उसको डाल के आ गई, वो दोनों ही खा लेगा क्योंकि वो दोनों खा लेता है, तो चलो मैं ऊपर जा रही हूँ। अश्विता मम्मी को जाने में लेट क्यों हो गई, मम्मा क्यों नहीं गई, क्योंकि ना उधर से आके भाई बुजुर्गों को खाना देने चला गया था, जिस वजह से लेट हो गया और फिर मम्मा लोग जा नहीं पाए, तो चलो इसको डाल देती हूँ मैं धोने के लिए, शेरू को खाना दिला के एक चीज तो खत्म, तुम बैठोगे शांति से, हाँ चलने नहीं दे रहा लड़का मुझे, छोड़ दो घूम के आ गया ना, रख दो बापू चैन रख दो, इस बदमाश से मिलो, ये ना मुझे चलने नहीं दे रहा, पता है मैक्स क्यों कर रहे हो बदमाशी, क्यों क्यों आप आ चुके हैं ना जाके, सो जाओ शांति से सो जाओ, देखो 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 बदमाश ही नहीं छूटेगा इसका, लग जाएगा बिट्टू लाडू, लग जाएगा गुड बॉय, छोड़ दो गुड बॉय मैशू से अच्छा तो कोई बच्चा ही नहीं है, है ना मैशू, मैशू इज अ गुड बॉय, सामने से ना इसको फ्लैश नहीं मार सकती, नहीं तो वो सीधा आंख में लगता है उसको, शायद से प्रॉब्लम है इसलिए दूर से दूसरा फोन से लाइट मार, तो पता है क्या कि ना फ्लैश जब मैं बैक कैमरा से वीडियो बनाती थी ना अभी, तो वो मेरे आंखों में फ्लैश लग रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, और हो गया मतलब हो रहा था क्या, हो चुका, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसे आंखों पे लगता ना, क्योंकि कैमरा फोकस करना पड़ता है, उस वजह से फ्लैश सीधा आंखों पे जाता है, और दूसरे कैमरे से क्या है, दूसरे फोन से क्या है ना, भाई के फोन से वो ऊपर से लाइट आ रहा है, तो उससे उतना आंखों में इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लग ही नहीं रहा कि लाइट है, बस हल्का सा ऐसा लग रहा है, बट उसकी वजह से सर में दर्द नहीं हो रहा, बट उसकी वजह से ना हो रहा था। यार सच बताऊँ तो आज मैं इतना काम कर ली हूँ ना, मैं मुझे ना डेली भूख नहीं लगती रात में, ठीक है मैं खाती नहीं रात में, लेकिन अभी कुछ दिन से खाना स्टार्ट कर दी हूँ किसी रीज़न से, तो अभी ना आज भूख नहीं थी, मन नहीं था बिल्कुल खाने का, ठीक है लेकिन अभी इतना काम कर ली हूँ ना मैं कि अभी भूख लग रही है, दौड़ा भागी कर ली तो भूख लग रही है यार, तो चलो मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, देखो 10 बजने वाले, रुको टाइम दिखा दिया आपको, तो टाइम देखो 10 बज रहे हैं, मतलब 10 बजने वाले हैं, तो मैं चुभ रहा था ये पता है कब से, तो अभी 10 बजने वाले हैं, तो 10 बजने वाले तो मुझे थोड़ा सा खा पी के फ्लफी को भी कंघी वंघी करना है, वो मैं व्लॉग में नहीं कर सकती क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है,
तो व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतने लंबे ज़्यादा व्लॉग से आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ मैं आपसे कल, तो चलो तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखो, ध्यान रखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है, कर देना यार प्लीज़। तो चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय। लाइट गिर जा रहा, बताओ तो। चलो मिलती हूँ मैं आपसे कल, बाय।